हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के इस वरिष्ठ नेता की खुले मन से जुबान क्या फिसली कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में बवाल मच गया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बयान ने हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा दिया है। मुकेश अग्निहोत्री द्वारा खुले मन से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तल्ख टिप्पणी किए जाने को लेकर अब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री राकेश जम्वाल ने पलटवार किया है। राकेश जम्वाल ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मुकेश अग्निहोत्री को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए और प्रदेश की जनता द्वारा जयराम ठाकुर को चुनकर सीएम पद आसीन किया है। मुकेश अग्निहोत्री द्वारा सीएम को उनके घर में जाकर मानने के बयान पर राकेश जम्वाल ने कहा कि वीरभद्र सिंह के बतौर सीएम कार्यकाल में प्रतिभा सिंह को रामस्वरूप शर्मा द्वारा शिकस्त दी गई थी, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनी शालीनता को नहीं छोड़ा गया। राकेश जम्वाल ने कहा कि लोकतंत्र में हार व जीत चलती रहती है। प्रदेश कांग्रेस की हालत और नेताओं के बीच जारी खींचतान जगजारी हो गई है। जयराम को उसके घर में घुस के मारा है, घर में घुस के वो सीट है मंडी पार्लियामेंट की, सीट जीत के आया और सांसद बनाया है प्रतिभा सिंह को हिमाचल प्रदेश की जनता ने। मुकेश अग्निहोत्री जी अपनी पार्टी की कांग्रेस की चिंता करें और हिमाचल प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है तभी जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उनका कहना है कि हमने मुख्यमंत्री जी को उनके घर में जाकर मारा है, मुझे लगता है कि वो भूल गए हैं कि इसी संसदीय सीट पर मंडी की लोकसभा सीट पर वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनकी धर्मपत्नी रानी प्रतिभा सिंह जी को और रामस्वरूप शर्मा जी ने यही मंडी लोकसभा सीट पर हराया था, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि वीरभद्र सिंह जी को उनके घर में मुख्यमंत्री रहते उनकी धर्मपत्नी को हमने हराया। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार जीत चली रहती है, लेकिन मैं उनसे इतना कहना चाहूँगा कि वो अपनी पार्टी की चिंता करें। आज उनकी पार्टी किस तरफ जा रही है सारी जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा एक तरफ जाती है, नेता प्रतिपक्ष दूसरी तरफ जाते हैं और उनकी कंपेन कमेटी के चेयरमैन सुखविंदर सुक्खू जी तीसरी तरफ जाते हैं, मंचों पर लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के दौरे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंगूराम मुसाफिरी जी अन्य नेता धरने पर बैठ रहे हैं और किन्नौर में क्या स्थिति हुई वो भी पूरा प्रदेश ने वो सारा दृश्य देखा है। तो मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी के नेतृत्व में मजबूत है और हिमाचल प्रदेश में 4.5 वर्षों में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है हिमाचल के इतिहास की किसी सरकार के साथ तुलना कर लें उनमें 4.5 वर्ष का जयराम जी का कार्यकाल सबसे आगे नजर आएगा। और इतना ही मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की टिप्पणी करना मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वो शोभा नहीं देता है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नितेश सैनी की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।